गांवा थाना क्षेत्र के मालदा में बुधवार की सुबह एक सनकी पुत्र आलमगीर ने अपने ही पिता मोहम्मद हासिम उर्फ बीरबल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर गांवा थानेदार महेश चंद्रा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन हत्यारा पुत्र धारदार हथियार लेकर पुलिस को ही दौड़ाने लगा। इसे देख चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुलिस के साथ साथ भीड़ भी इधर उधर भागने लगी। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हथियार सहित हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से शव को जब्त कर पोस्टमार्टम कराने के लिए गिरिडीह भेज दिया है। हत्यारे की पत्नी सैरुन खातून और पुत्री हिना आलम ने बताया कि सुबह सभी सहरी करने उठे थे और ससुर घर के बाहर पेशाब कर रहे थे। इसी दौरान आलमगीर ने पिता को जमीन पर पटक कर धारदार हथियार उनके पेट में लगातार घोंपने लगा। बताया कि बीच बचाव करने गई पत्नी और पुत्री पर भी हमला कर दोनों को घायल कर दिया। वो भी बेचारा उठे मरबी पेशाब करने के लिए तो मिट्टी में सामने में करता था पेशाब, नहीं जाता था, मालूम नहीं ना देता था तो बाथरूम नहीं जाता था, तो उसी लिए बेचारा वहाँ बैठ गया। वो अंदर से जा गाली दे रहा, मेरा ससुर है वो। अच्छा, गाली है इनका दादा जी। जो मारा है वो मेरा सौहर है, पगला 7 साल से दिमाग खराब है एकदम। 7 साल से हम लोग का ऊपर बहुत जुल्म, खा रहा पी रहा फिर जुल्म कर रहा, खा रहा पी रहा बिल्कुल, रोजी रोटी सब छोड़ दिया। अच्छा खासा वो ड्राइवर है, पूरा पूरा हिंदुस्तान में गाड़ी।